वीडियो और संडे सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने सबसे प्रॉमिस किया था कि हम सेकंड वीक ऑफ जनवरी में वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्राइस करना है या हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्राइस करते हैं। तो उसके ऊपर हमने थोड़ी रिसर्च किया और कुछ पॉइंट्स आप सबके लिए रेडी किए हैं और ये कम्प्लीटली हमारे एक्सपीरियंस से आया है। मतलब हमें एक साल कंप्लीट हो गया ये काम करते हुए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स सभी को सही लगे। हर किसी की अपनी तरीका हो सकता है, अपना प्राइस करने का वे हो सकता है, जो कि बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये हमारी रिसर्च है और मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए, आप सबके लिए हेल्पफुल हो। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो गाइस, जब हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि किसी हैम्पर को या किसी भी रिंग प्लैटर को, तो हम सबसे पहले हमारा उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर लगा है हम वो काउंट करते हैं, उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो देखते हैं और उसके बेसिस पे हम किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड करते हैं। इसका बहुत बेसिक एग्जाम्पल है ये ट्रे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये एक नॉर्मल ट्रे है, जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिएचर साइज ट्रे है। आप सबको एग्जाम्पल देने के लिए हमने ट्रे यूज की है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रे है 250 रुपीज की, फॉर एग्जाम्पल, और इस पर हमने फ्लोरल डेकोरेशन की है 200 रुपीज की। और बहुत लोग ये चीज इंक्लूड नहीं करते हैं, पर जब आप अपना एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, ग्लूगन, या आपको मटेरियल लाने में जो शिपिंग कॉस्ट लगी है, या अगर आप मार्केट जाके खुद लेके आए हैं तो आने जाने की जो कॉस्ट होती है वो भी डिवाइड करके ज़रूर ऐड कीजिएगा, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं और ये बहुत लॉस की सिचुएशन होती है। तो इसको ऐड करते समय मैंने 250 ट्रे के ऐड किए, फॉर एग्जाम्पल 200 मैंने फ्लोरल फिलर्स सबके इंक्लूड किए 450, और इस पर एटलीस्ट मैं 5200 रुपीस इंक्लूड करूँगी, जिसमें मैं इंक्लूड कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ग्लूगन, ग्लू स्टिक्स जिससे हम इसे लगाते हैं, और आने जाने का खर्चा अगर मैं कहीं मार्केट से लेके आई हूँ या मैंने कहीं ऑनलाइन मंगवाए हैं और मैंने जो उनके ऊपर शिपिंग दी होगी वो, तो इसकी कॉस्ट मुझे अराउंड पड़ रही है 550 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब मैं सोचूंगी कि इसकी कितनी डिमांड है मार्केट में और उसके बेसिस पे मैं सोचूंगी कि मुझे इस पर प्रॉफिट मार्जिन कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बस ये एक सिंगल ट्रे का ऑर्डर दिया है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव जाएगा। ऐसे ही अगर किसी ने इसी सेम ट्रे, इसी डेकोरेशन की 4 ट्रेज ऑर्डर किए हैं तो वो एक बल्क का ऑर्डर हो जाएगा और वो टेक्निकली थोड़ा सस्ता जाता है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इसका एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया था 550 रुपीस। मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। मैं इसके ऊपर, ये भी डिपेंड करता है कि इसको बनाने में डिफिकल्टी लेवल कितना लगा, या एक नॉर्मल ट्रे है, या इसमें क्रिएटिविटी कितनी इन्वॉल्व हुई। ये एक नॉर्मल सी ट्रे है, इसमें हमने कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं किए, बस सिंपल से फ्लावर्स लगाए हुए हैं। तो मैं इस हिसाब से सोच रही हूँ कि इसके ऊपर का मैं प्रॉफिट मार्जिन 200 रुपीज़ रखना चाहती हूँ। अगर ये सिंगल ट्रे जाएगी तो मैं इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन 200 का रखूँगी, और अगर ये बल्क ऑर्डर में जाएगी, मतलब सेम डिज़ाइन के, सेम ट्रे के कोई 5 या 4 पीसेस ऑर्डर करता है, तो मैं प्रॉफिट मार्जिन को 200 की जगह 150 सेट करूँगी। ऐसे ही अगर इस ट्रे के कोई 50 पीसेस मंगवाता है तो मैं इस ट्रे पर प्रॉफिट मार्जिन 100 to 120 के बीच में रखूँगी। ये ऐसे डिफर करता है। तो सेकेंड पॉइंट तो हमारा ये है कि सबसे पहले कि आप अपनी मार्केट की भी स्टडी करोगे। फॉर एग्जांपल, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं हमारी मार्केट में, हमारी मार्केट के प्राइस फिक्सेशन में। जब पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो ऑब्वियसली बात है कि रॉ मटेरियल के भी प्राइसेस इंक्रीज हुए, क्योंकि जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन थी, कन्वेयंस थी, उसके प्राइस इंक्रीज हुए थे। तो मार्केट में हमारे रॉ मटेरियल के भी प्राइस इंक्रीज हुए थे। तो अगर मेरा रॉ मटेरियल इंक्रीज प्राइस पे है तो ऑब्वियस है कि मुझे ये उतने का नहीं पड़ेगा जितने का शायद मैं
पहले बेच रही हूँ, तो मैं इस हिसाब से भी इसकी कॉस्ट एड ऑन कर दूंगी, ताकि मुझे ऑब्वियसली अगर मैं कुछ क्यूरेट कर रही हूँ, मैं कुछ बना रही हूँ, तो मैं उसका भी प्रॉफिट अपने लिए रखूंगी। सो उस दो मार्केट पे भी डिपेंड करता है प्राइस कैसे रखेंगे। सो गाइस, थर्ड पॉइंट इज कि कोविड की वजह से मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल, आज से 2 ईयर्स पहले जब हमने ट्रूजो पैकिंग का कोर्स सीखा था, एक नोन पर्सनालिटी हमने उनसे सीखा था, तो उनके पास जो रिंग प्लैटर्स थे या जो ट्रूजो पैकिंग थी, हमने उनके पास रिंग प्लैटर्स 5,000 रुपीज के भी जाते हुए देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कि जाते थे उनके पास, एक तो उनकी मार्केट हमसे ज़्यादा डेवलप थी क्योंकि वो हमसे पहले से काम कर रहे थे, प्लस आज से 2 साल पहले कोविड नहीं था, तो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स हो रही थी, तो तब लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अब कोविड के बाद जो हमने नोटिस किया है, क्योंकि हमारी वेडिंग्स अब या तो 50 पीपल में हो रही है या तो 20 पीपल में हो रही है, तो हमने ये नोटिस किया है कि आपका डिज़ाइन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर लोग रिंग प्लैटर्स या जो रिटर्न फेवर्स हैं उसमें अब ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जैसे वेडिंग पे रिटर्न फेवर्स बनते हैं, रिटर्न फेवर्स के हैम्पर्स बनते हैं, तो पहले गेस्ट लिस्ट थी 200 पीपल की, उसमें आप समझ लो 50 फैमिलीज आएंगी, पर फैमिली से अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 जने आते हैं, तो हमारे पास रिटर्न फेवर्स का ऑर्डर आता था 50 हैम्पर्स का, बट अब क्योंकि सिर्फ 50 जनों में वेडिंग्स हो रही है या 20 जनों में वेडिंग्स हो रही हैं, तो रिटर्न फेवर्स लोग इतने ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, या अगर रिटर्न फेवर्स के ऑर्डर्स आते भी हैं तो वह या तो 4 to 5 हैम्पर्स के बीच में होते हैं, क्योंकि 50 जनों में ऑब्वियसली आपकी इतनी 4 to 5, 5-6 फैमिलीज ही इन्वॉल्व होंगी, जिसमें से 2 तो ग्रूम और ब्राइड की होती है। ऑल्सो ट्रूजो पैकिंग, पहले लोग क्या करते थे कि जैसे हम ब्राइड को कोई भी गिफ्ट दे रहे थे, तो लोग वो हमसे स्पेशली पैक कराने आते थे, जैसे ज्वेलरी हो गई या ग्रूम के कोई गिफ्ट्स हो गए, पर क्योंकि अब फैमिली में ही वेडिंग्स हो रही हैं, तो ये हैम्पर में गिफ्ट पैक करके देने का जो सिस्टम है ना, वो पहले से कोविड के चक्कर में कम हो गया। तो अब जो हमारे पास रिंग प्लैटर्स आते हैं, जो हमारी जो मार्केट है, जो हमने एक साल में डेवलप की है, हमारे पास मोस्टली ऐसे लोग आते हैं जो 2 to 3 K से ज़्यादा एक रिंग प्लैटर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो जबकि हमने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी बनाए थे, बट नहीं, लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये कोविड की वजह से ये चेंज तो खैर मार्केट में आया है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस समय पीक में है। अगर जैसे अब वेडिंग्स का सीजन आता, अभी कोविड के चक्कर में क्योंकि गेस्ट लिमिट फिर से कम हो गई है, फॉर एग्जांपल अब शायद वैक्सीनेशन आ जाए, अगले साल तक सिचुएशंस नॉर्मल हो जाए और वेडिंग सीजन वापस पीक पर चला जाए, तो ऑब्वियसली ट्रूजो पैकिंग, रिंग प्लैटर्स, इन सब के रेट्स फिर से बढ़ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि सिटी जिसमें आप सेल कर रहे हो उसमें मार्केट की अवेलेबिलिटी है या नहीं। फर्स्टली, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल दिल्ली या मुंबई जैसी सिटीज़ में हमारे पास होलसेल मार्केट्स ऑलरेडी हैं, सदर बाज़ार, किनारी और बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ से आप रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे भी मे बी मुझे कॉस्ट कम पड़ रही है। प्लस लेकिन पॉइंट ये है कि दिल्ली में वेडिंग्स मतलब काफ़ी ग्रैंड लेवल पे होती है, तो मेरे पास स्कोप ज़्यादा है उस अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। लेकिन अगर मैं वहीं स्मॉल सिटीज़ में चली जाऊँ, टाउन्स में चली जाऊँ, फॉर एग्जांपल करनाल, जहाँ पे लोगों को ना इस चीज़ की इतनी नॉलेज है, ना ही वो इस चीज़ में इतना इन्वेस्ट करते हैं, पे करते हैं, क्योंकि वन टाइम कॉस्ट है ऑब्वियसली, तो कोई इतना इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वहाँ पे इस चीज़ का क्रेज़ नहीं है और लोग उसमें उस लेवल पे पे नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी मार्केट चेंज हो गई और आप अपना प्राइस वहाँ पे भी कम रखोगे, क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसी सिटीज़ में, मुंबई जैसी सिटीज़ में लोगों को ज़्यादा क्रेज़ है इन सब चीज़ों का, तो यहाँ पर हमारी मार्केट या जो हमारे प्राइस रेट्स हैं वो थोड़े हाई रहेंगे कंपेरिजन टू से फॉर एग्जाम्पल करनाल और एनी अदर स्मॉल सिटी और टाउन। सो गाइज, फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएटिविटी। आप अपना प्रोडक्ट, आपके जितने भी आप कह लो फेलो जो क्रिएटर्स हैं या जो फेलो आर्टिस्ट हैं, उनसे अलग कैसे बना रहे हो, उसके ऊपर भी
प्राइस बहुत डिपेंड करता है। मैं इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जो लोग आप लोग हमारे वीडियो हमारे इस वीडियो से पहले वाले वीडियोस अगर आप लोगों ने देख रखे हैं, तो इससे पहले मैंने एक रिंग प्लैटर बनाया था जिसमें हमने वो ग्लास जार्स यूज किए थे। हमें मोस्टली हमारे सारी जितनी भी हमारी फॉलोइंग है, हमें स्पेशली मैसेज करके लिखा था कि ऐसा रिंग प्लैटर हमने किसी भी और पेज पे आज से पहले नहीं देखा। ऑल्सो हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है हमारे मिनिएचर कपल्स, जो कि ये रहे हैं। जैसे एक प्रपोजिंग कपल है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स की वैरायटी है, कुछ हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, कुछ हमने नहीं किया है। मिनिएचर कपल्स के साथ रिंग प्लैटर्स या कोई भी और चीज हमने अब तक हमने कम से कम हम रोज रिंग प्लैटर्स का जो हैशटैग रिंग प्लैटर इंस्टाग्राम पर डाल के आप पेज खोल सकते हो, हमने किसी और को भी आज तक ये मिनिएचर कपल्स के साथ रिंग प्लैटर्स बनाते हुए नहीं देखा है। तो ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो जिस भी रिंग प्लैटर में ये मिनिएचर कपल्स यूज होते हैं, हम उसका यूजुअली प्राइस थोड़ा हाई रखते हैं, क्योंकि वो मार्केट में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट अब तक तो कोई और इसके साथ आप सर्च कर सकते हैं, अगर आप ढूंढ के दिखा दें हमें कि इन मिनिएचर कपल्स को कोई और रिंग प्लैटर्स में यूज कर रहा है। तो इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट आपके बाकी कॉम्पिटिटर से या फेलो आर्टिस्ट से कैसे अलग है। तो वहाँ क्रिएटिविटी की कॉस्ट ऐड हो जाती है। ये हमारा क्रिएटिव सोच था इन मिनिएचर कपल्स को इंक्लूड करना। सॉरी गाइस फॉर दैट डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कह रही थी कि मिनिएचर कपल्स हमारे यूएसपी है, मतलब ये हमें मार्केट में बाकी सबसे थोड़ा अलग बनाता है। तो क्रिएटिविटी की भी कॉस्ट ऐड होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जिस भी रिंग प्लैटर में या पैकिंग में मिनिएचर कपल्स यूज करते हैं, हम उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, एंड पीपल पे फॉर इट बिकॉज वो बहुत यूनिक आइडिया है। तो आई ऑलवेज टेल यू कि आप भी अपना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढें जो सिर्फ आपकी स्पेशलिटी हो, आपके सिवा कोई और मार्केट में ना कर रहा हो। और ऐसे मैंने कितने सारे पेजेस की अलग अलग यूनिक सेलिंग पॉइंट्स देखे हैं। हमें हमारा ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था। ऑल्सो जब हम स्टार्टिंग में मिनिएचर कपल्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो कम से कम हमने बहुत बार सोचा था कि यह आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट टचवुड हमारी किस्मत अच्छी थी कि लोगों को ये मिनिएचर कपल्स का आइडिया बहुत अच्छा लगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और इसी पे मेरा ये क्रिएटिविटी का पॉइंट खत्म होता है। सिक्स्थ पॉइंट इज हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ। तो MOQ बहुत सारे बिजनेसेस फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक फ्लावर बंच बना रहे हैं तो आप उसको यूजुअली एक सिंगल पीस सेल नहीं करते हैं, कोई भी बिजनेस बहुत रेयर करते हैं। तो अगर आप उसको जैसे 10 से ऊपर भेज रहे हो, आप MOQ 10 है सपोज, तो उसकी कॉस्ट वहाँ कम हो जाती है। मतलब आपने रिटेल प्राइस पे नहीं, होलसेल प्राइस पे भेजा है आफ्टर 10। MOQ डिफर करता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कोई 10 के पे रखता है, कोई 20 पे रखता है, कोई 25 पे रखता है। डिफर करता है हर किसी ब्रांड के लिए या हर किसी कंपनी के लिए। गाइस हमने MOQ सिर्फ फ्लावर बंचेस पे नहीं देखी है। ये जो आप पीछे मेटल ट्रे देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल ट्रे है, ये भी अगर मैं सिंगल पीस लेने जाऊँ तो मुझे 250 की पड़ेगी। बट यही अगर मैं 10 ऑर्डर करूँ या किसी भी पेज से 50 ऑर्डर करूँ, तो वो मुझे इसे होलसेल प्राइसेस पे मुझे सेल करेंगे, रिटेल प्राइसेस पे नहीं। तो हमारी कॉस्ट इस पे भी बहुत डिफर करती है। ये हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी स्मॉल बिजनेस लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें अलग अलग तरीके की ट्रेज मंगवानी है। तो जब आप स्टार्टिंग में इस चीज पे इन्वेस्ट करने जाओगे ना, तो आपके पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, क्योंकि आप हर ट्रे का एक एक सैंपल लेते हो। आप सीधा 50 ट्रेस का ऑर्डर नहीं उठा सकते हो। तो स्टार्टिंग में हमें हर चीज के लिए, कोई भी चीज क्यों ना हो, आप फ्लावर्स लेने जाओगे, अगर आप एक पंच लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, वही आप उसी सेम फ्लावर बंच के 10 पीसेस लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो जब आप ये घर से ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट 15-20K तो आपके जाएंगे। आप 4-5 ऐसी अलग अलग ट्रेस खरीदोगे,
अलग अलग फ्लावर्स खरीदोगे, फिलर्स खरीदोगे, तो ऐसे में आप और स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि हम एक ही ट्रे को अलग अलग तरीके में कैसे यूज कर सकते हैं उससे आप सैम्पल्स बनाएं। हमने भी स्टार्टिंग ऐसे ही की थी, हमने पाइनवुड की बेसिक ट्रेज ली थी और हमने उसी को ही अलग अलग तरीके में डेकोरेट करके अलग अलग तरीके में हम कैसे यूज कर सकते हैं वो बता के स्टार्टिंग में अपनी मार्केट ऐसे बिल्ड की थी। तो अगर आप 4 to 5 स्टार्टिंग में डिफरेंट ट्रेज ले रहे हो तो आपके एटलीस्ट 25 to 30 सैम्पल्स बन सकते हैं सिर्फ उन 5 ट्रेज से। सेकंड पॉइंट फॉर द डे इज कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रमोशन के लिए ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपना स्टिकर ऐड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट पे, आप अपना विजिटिंग कार्ड ऐड कर रहे हो उस प्रोडक्ट पे, तो आपकी उस पर भी कोई ना कोई कॉस्ट गई होगी, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे स्टिकर्स हैं तो हम इसको कहीं भी ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी भी इसके ऊपर कुछ कॉस्ट गई हुई है, तो वो भी हम ऐड करते हैं जब हम अपनी प्राइसिंग कर रहे होते हैं, उसका टोटल कर रहे होते हैं, तो वो भी उसके एक्सपेंडिचर में ही आता है। ऑल्सो अगर आप कोई थैंक यू कार्ड्स ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बल्क ऑर्डर दिया या नॉर्मल ऑर्डर भी किया तो उसमें आपने कोई थैंक यू कार्ड ऐड किया तो उसकी भी आपकी कोई ना कोई कॉस्ट तो लगी होगी, तो आप उसकी कॉस्ट भी ऐड कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है आपको थैंक यू कार्ड ऐड करना ही है, दैट्स योर कॉल। हम ऐड करते हैं तो उसकी हमारी जो कॉस्ट लगी है ऑब्वियसली हम वो भी ऐड करते हैं क्योंकि हमने उसके लिए भी पे किया हुआ है। सो गाइस एक पॉइंट इज क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे ये पूछा था कि अगर ये कोई नया इंसान अपने घर से नया नया बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको कैसे हेल्प हो सकती है वो भी शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको हमारा बता रही हूँ, हमने कोविड के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मार्केट में स्कोप इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऑल्सो जब आप किसी बिजनेस को नया नया शुरू करते हो तो आपके पास एकदम से ऑर्डर्स नहीं आते हैं क्योंकि जब तक आप किसी को कुछ करके दिखा ना दो कि हम ये भी कर सकते हैं ये भी बना सकते हैं कोई आपको ऑर्डर नहीं देता है, या आपकी अगर एक पर्टिकुलर फॉलोइंग नहीं है इंस्टाग्राम पे तब तक आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा। तो स्टार्टिंग में हमें बहुत हेल्प मिली हमारे फैमिली मेम्बर्स से। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एक वेडिंग थी तो जो हमारी जो फैमिली मेम्बर थी जिनके घर में वो वेडिंग थी, मतलब मेरी भाभी थी उनके घर में वो वेडिंग थी, उन्होंने उस वेडिंग का सारा ऑर्डर हमें दिया। उससे पहले हमने कोई ऑर्डर नहीं किया था, वो हमारा पहला बल्क ऑर्डर था, तो हमने काम अपने घर वालों के काम से स्टार्ट किया था। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, हमें लकीली वो वेडिंग ऐसे टाइम पे हुई थी कि हमने जो काम स्टार्ट किया था 2nd of January को, और फेब्रवरी में उनके ब्रदर की वेडिंग थी तो उन्होंने हमें जो ब्राइड की ट्रूजो पैकिंग का ऑर्डर है वो उन्होंने हमें दिया था। तो हमारे जितने सारे पहले सैंपल्स ब्राइड के गिफ्ट्स के या वेडिंग लहंगा के या साड़ी पैकिंग के बने थे वो टेक्निकली उस ऑर्डर के थे। सो आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, या आप ऐसे लोग ढूंढिए जिनको आप प्राइस थोड़ा कम करें पर आप उनका काम भी कर दें, उनका काम भी हो जाए और आपका सैंपल भी बन जाए। आपके फ्रेंड्स के घर में कोई वेडिंग है या आपके खुद के घर में कोई वेडिंग है, सो आई सजेस्ट दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस क्योंकि उस टाइम पे आपके सैंपल्स भी बन जाएंगे और आपको हेल्प भी हो जाएगी, डायरेक्टली आपका जो बिजनेस है वो प्रमोट भी हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपके घर में ही वेडिंग है तो बहुत सारे लोग उस वेडिंग में आने भी वाले होंगे तो उनके आगे भी सॉर्ट ऑफ प्रमोशन हो जाएगा। मे बी वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, मे बी जिनके साथ आपकी वेडिंग हो, मतलब जिस फैमिली में ग्रूम हमारे जैसे हम ब्राइड साइड के थे, फॉर एग्जांपल ग्रूम साइड की जो भी फैमिली होगी वहाँ पे भी आपकी प्रमोशन हो जाएगी। सो इट गिव्स यू अ बिग शाउट आउट। सो आई सजेस्ट यू कि आप अपना काम किसी फैमिली ऑर्डर से ही स्टार्ट करें, किसी फैमिली वेडिंग से ही स्टार्ट करें बिकॉज इन दैट केस आपके सैंपल्स भी बन जाते हैं, आपकी इतनी कॉस्ट पे ऐड नहीं होती, आपको भी पेमेंट मिलती है। टेक्निकली आपसे कोई भी कुछ भी बनाएगा चाहे आपको वो लेस पे करेगा पर पे तो करेगा, तो उन्हें भी हेल्प होती है क्योंकि आपने नया नया काम शुरू किया है। तो ऑफकोर्स आप उनको बहुत हाई रेट्स पे कोई भी सामान नहीं दे रहे हो तो आप जिसके लिए बना रहे हो हैम्पर उसे भी प्रॉफिट होता है क्योंकि उसे मार्केट प्राइस से कम रेट्स पे वही सेम हैम्पर्स और वही सारा सामान मिलता है। सो दैट इज द बेस्ट
पॉइंट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये हमारी रिसर्च थी, जितना हमने एक साल में काम करके सोचा, जितना हमें पता चला, जितना हमने टाइम टू टाइम सीखा, हमने वो आपके साथ शेयर किया है. प्लीज़ बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स के थ्रू. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन से ट्यूटोरियल्स देखने हैं या और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हम ऐसे कॉन्वर्सेशन की वीडियोज़ बनाएं. थैंक यू, बाय, सी यू नेक्स्ट संडे.